हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन भी विद्यार्थियों ने 2018-2019 में पेपर दिया है 10वीं और 12वीं का, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको बताऊंगा मैं किन किन को ये लाभ मिलने वाला है। छात्रों को मिलेगा पुरस्कार राज्य स्तर और जिला स्तर पर। कट ऑफ पार करने वाले को मिलेंगे कितने, राज्य स्तर पर पार करने वाले को 21,000 रुपये और जिला स्तर पर पार करने वाले को 5,000 रुपये। देख लो आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप भी जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और 5,000 और 21,000 रुपये का लाभ उठा लीजिए दोस्तों। तो जल्दी से आपके लिए ऑफिशियल जानकारी बताने वाला हूँ, तो चलते अपन पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल सूचनाएं क्या है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, तो देख सकते हो एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। इसे सभी दोस्तों के साथ, आपके जो भी भाई बहन हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। तो आवेदन पत्र आमंत्रित सूचना, तो देख सकते हो आवेदन पत्र आमंत्रित सूचना क्या है, तो आपको मैं बताता हूँ। देख सकते हो पात्रता क्या होगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा 2018 की ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक या अधिक अंक प्राप्त किए हैं और जो अपने परिवार की एकमात्र संतान है या परिवार में दो संतान हैं और दोनों ही पुत्रियां हैं या तीन पुत्रियां हैं जिनमें से एक पुत्री के बाद दो जुड़वा पुत्रियां हैं, पुरस्कार हेतु आवेदन की पात्र है। तो आप देख सकते हो एक पुत्री है, यदि मान लो दो पुत्रियां हैं तो एक ही फॉर्म भरेगी उसमें, ये आपको साफ साफ बोला गया। यदि मान लो जुड़वा पैदा हो जाती है तो वो दोनों फॉर्म भर सकती है, साफ साफ बताया जा रहा है। इसमें और आगे क्या जानकारी, बोर्ड कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 1 जुलाई, तो 1 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो 2019 तक। ये ऑफिशियल सूचना है, ये आपको मैं बता दी है। आगे बोर्ड कौन कौन सी, राज्य स्तर पर कट ऑफ कितनी है, पुरस्कार राशि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कट ऑफ अंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध, जिलेवार कट ऑफ अंक उपलब्ध हो गए। पुरस्कार राशि जिला स्तर पर आप देख सकते हो। आगे आपको पूरी जानकारी बताऊं, माध्यमिक परीक्षा 2018 क्या है, 579 कट ऑफ गए हो आपके, तो आप इसको कर सकते हो। माध्यमिक परीक्षा 2018 देख सकते हो। माध्यमिक व्यावसायिक में 575, प्रवेश परीक्षा 2018 581 कट ऑफ आई नंबर आए हो तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। आगे क्या है, उच्च माध्यमिक, ये तो 10वीं की बात हो गई 579, तो अब उच्च माध्यमिक परीक्षा की बात करते हैं 2018 की। विज्ञान में यदि 482 नंबर आ रहे हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं वाणिज्य में 479 और कला में 473। उसके बाद करते हैं उच्च माध्यमिक व्यवसाय परीक्षा, विज्ञान में 393, वाणिज्य में 394, कला में 428 नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2018। तो इसमें आपको कितने कितने पैसे मिलेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। साफ साफ है पुरस्कार राशि राज्य स्तर पर, यदि आप माध्यमिक शिक्षा में तो 21,000, माध्यमिक शिक्षा व्यवसाय में 21,000, प्रवेश परीक्षा 2018 21,000, उच्च माध्यमिक में 31,000 मिलेंगे आपको। देख सकते हो उच्च माध्यमिक में 31,000, वरिष्ठ उपाध्याय में 31,000, जिला स्तर पर आपको 5,000 रुपये मिलेंगे इन सभी चीज़ों के ऊपर जिला स्तर में आते हो तो। आगे क्या प्रक्रिया है, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो देख सकते हो प्रक्रिया। आवेदन पत्र का प्रारूप, शब्द पत्र का प्रारूप एवं आवश्यक निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट, आप देख सकते हो राजस्थान की वेबसाइट क्या है, ये आपको जल्दी से फॉर्म भर देना है। आपकी बहनें जितने भी हो उनके पास शेयर कर सकते हो, आपकी फ्रेंड हो कोई उसके पास शेयर कर सकते हो। इसमें आगे क्या जानकारी, www.rajasthaneducationboard.rajasthan.gov.in पर आपको जाकर के डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। इसके बाद आगे क्या है, भुगतान कैसे करना है, भुगतान पुरस्कार कैसे भुगतान करोगे आप, पुरस्कार राशि का भुगतान छात्रों के स्वयं के बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा किया जाएगा, तो जो भी लड़कियाँ हैं उनके खातों में डाल दिए जाएंगे पैसे। आगे देख सकते हो आवेदन पत्र भेजने का पता, तो आपको आवेदन पत्र कहाँ पर भेजना है इसका पता देख सकते हो। निदेशक शैक्षिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 305001, आपको इसमें इस पते में आपको ये सेंड कर देना है डाउनलोड करके इस वेबसाइट में से www.rajasthaneducationboard.rajasthan.gov.in पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसमें आप सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ ऑफिशियल जानकारी मिलेगी। 1 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो, आप उठा सकते हो लाभ 21,000, 31,000, 5,000 रुपये का यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जिनके भी एक पुत्री या द्विपुत्री है, एक पुत्री का मतलब जिनके मान लो दो लड़कियां हैं तो वो एक ही वाले फॉर्म भर सकते हैं। यदि जुड़वा पैदा हो गई
तो वो दोनों फॉर्म भर सकती है। ये साफ साफ बता रखा है, यहाँ लड़कों के लिए नहीं है। लड़कियाँ इस लाभ को उठा सकती है यदि कोई भी कैटेगरी में आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सभी को मिलने वाला है ये लाभ, जो कि बहुत ही बड़ा लाभ मिल रहा है। तो आप इसको लेना ना चुके राज्य स्तर और जिला स्तर पर। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको जो मैंने वीडियो बताई है उसमें जानकारी वो आपको हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और लाइक जरूर करके जाइए क्योंकि इससे मोटिवेशनल मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।